बता रहा कि श्री राजू गुप्ता जी भाई, राजू गुप्ता जी जो है ये बहुत ही परम भक्त हैं, व्यास जी के परम भक्त, और अब इनको कई दिनों से याद कर रहे थे। यहाँ सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम में बता रहे हैं। पंडित जी की अच्छा ये जो है दूर जाना है इसको। अच्छा अच्छा ये आज खुशबू आइए आप गुप्ता जी बैठिए पहले एक मीडिया को जरा हम जाओ इनके बहुत ये लोग बहुत मानते थे। नहीं नहीं हम जानते हैं इस चीज को, उसको वहाँ भी गई थी। श्री राजू गुप्ता जी पंडित जी के एक उसी राशि की प्रतिमा अपने घर के बगल में थोड़ा स्थान था, वो बनाने की बड़ी इच्छा थी। उसका कुछ चल रहा था, पर कभी कभी ऐसे हमारे हाथ में पीछे कह देते थे, कहते थे क्या ये नहीं बन पाएगा क्या? तो हमने कहा पंडित जी आप जो है कुछ कभी ना मिले, मतलब जिससे काम होना है, तो उनका सामान भी अभी पड़ा हुआ है, तो हमारी ये इच्छा है कि वो पंडित जी का जो शेष काम है वो हो जाना चाहिए। और हमारी और एक इच्छा है कि पंडित जी का तो शरीर चला गया, शरीर तो माइक है, आत्मा दिव्य रहती है, तो तुलसीदास जी की प्रतिमा के सामने पंडित जी की प्रतिमा रख करके और फिर इसका ये किया जाए, ये हमारी अभिलाषा। और इसमें जो भी सहयोग होगा, तनका थनका मन का कोई लेबिल नहीं है और ना किसी के पास जोर है कि जो जिस स्थिति का हो, क्योंकि कलयुग में दान करने से बहुत बढ़ाते हैं। इसी वजह गोस्वामी ने लिखा कि प्रकट धर्म के चार पद तिनमा एक प्रदान एन के निविद्धि में मन हो चाहे ना पंडित जबरदस्ती का धरो ना दान करें कल्याण। और पैसा इसे जेब में डालता है, नहीं करता, कोई भिखारी आ जाए कार में बैठा है तो देखता है कर छोटा सिक्का हो दियो नहीं पहले घुमाओ। तो ये पंडित जी की बड़ी अभिलाषा थी और हमसे एक महीने पूर्व बात हुई थी और बीच में फिर 19 तारीख को बात हुई, तो अब ये बहू से बात हुई उसी फोन नंबर पर, तो घड़ाई 20 को फिर ये हो गई। तो हम फिर पंडित जी हमारे अवधेश जी है तिलका के, हमने कहा पंडित तुम हार लो अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो पंडित जी की ये इच्छा थी। तो हमारा ये संकल्प है कि ये काम किसी न किसी प्रकार से होना चाहिए। अब इच्छा भगवान की थी कि वो शरीर छूट गया हो, तो ये काम के लिए और पंडित जी से कोई हमारी ज्यादा विशेष चर्चा नहीं रहती थी, यही रहती थी कि ये कहना हमारी ये इच्छा है कि। और एक बार हम 5 बेड के लिए गाँव गए थे, अभी हमें किसी से परिचय भी नहीं जगह से, बस देखा मेरे का पट्टी बहुत बढ़िया सुंदर जगह है। तो ये हमारा सबसे निवेदन है कि ये काम जो है वो बड़े शीघ्र हो जाए, ये काम रखना ना चाहिए, सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी हमें भैया जी से भी किसी से मुलाकात नहीं, इनसे फोन नंबर था वही पंडित जी वाला फोन नंबर हमको याद है, वही हम मिला लेते। तो ये पंडित जी की इच्छा थी, तो इससे हमारा सबसे निवेदन है कि ये किसी प्रकार से बन जाए। और पंडित जी का भी जो है गांव में रहे तुलसीदास जी के सामने प्रतिमा, तो उनका भी नाम होगा कि पंडित जी नहीं तो प्रतिमा तो है। बहुत अच्छा सोचा, ये अपना निजी विचार है जैसा आप लोगों की वो अच्छा। और तो भाई साहब पहले से है ना, बस इसी चर्चा होती थी, बस यही कि ये हो जाए काम।
और ये ऑक्सीडेंस हो गया, हमें बड़ा स्तर से कष्ट और समय नहीं था मुलाकात हो पाई।